वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी के कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो गाइस, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड के बाद फाइनली आज मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ एंड आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ 5 फोटोग्राफी के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो टिप नंबर 1, अगर आपके पास वाइड लेंस है, लाइक मेरे पास 16mm है, यू कैन चेंज योर एंगल्स। आप टॉप एंगल से फोटो क्लिक कर सकते हो, लो एंगल से कर सकते हो। टिप नंबर 2, अगर आप बिगनर है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास लाइट सोर्सेज इतने नहीं होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एंड ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, आप नेचुरल लाइट में क्लिक कर सकते हो। आगे बोलना नहीं, बता ए बता। नेचुरल लाइट में आपके पास फायदा ये होता है कि आपको किसी भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। ये सारी फोटोज मैंने नेचुरल लाइट में क्लिक करी हैं एंड ये बहुत बढ़िया है रिजल्ट इनका, आप चेक करो। सो टिप नंबर थ्री बहुत बेसिक है बट बहुत हेल्पफुल है। कैसे, अगर आप अपनी फोटोज को रॉ में क्लिक करोगे तो आपकी फोटो कंपेयर टू जेपैक आपके पास डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी होगी। अगर आप शेडो का स्केल बढ़ाओगे तो प्रॉपर वहाँ शेडो ही पिक होगी, कोई हाईलाइट कोई वाइट्स पिक नहीं होगा। एंड अगर आप हाईलाइट कम करोगे तो हाईलाइट कम होगी। जेपैक में क्या होता है, जेपैक होती है कंप्रेस फाइल रॉ फाइल की। तो उसमें क्या होता है, अगर आप हाईलाइट कम करते हो तो उसकी प्रॉपर लाइट भी कम हो जाती है, वाइट्स भी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है, आप जरूर ट्राई करना फोटोज को रॉ पिक्चर में क्लिक करके, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा एंड आप खुद फिर रॉ पिक्चर से क्लिक करोगे। यार थैंक यू बोल दो कमेंटों में, यार इतना आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत तेज हो रहा है। टिप नंबर 4, फोकस ऑन आईज। जो बिगिनर्स हैं उनको अक्सर ही प्रॉब्लम आती है कि वो फोकस नहीं कर पाते प्रॉपर, उनको वो सेटिंग नहीं पता होती। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ अपना फोकस मोड सिलेक्ट करना है आईज पे। तो आपका जब कैमरा आईज सिलेक्ट करेगा, फोकस करेगा उनको, तो आपकी फोटो में डिटेल बहुत अच्छी आएगी एंड आपको खुद अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर आप ब्लर फोटो खींचोगे तो आपको क्लाइंट मारेगा भाई, भगा देगा। समझे। एंड टिप नंबर 5, अगर आपको फोटोज क्लिक करनी है पर पीछे कलर्स नहीं अच्छे आ रहे, आपने कलर्स नहीं अच्छे वेयर करे, ये दिक्कत आती है, यूजली बहुत आती है। तो उन फोटोज का हम क्या करें, अगर आपने क्लिक कर भी ली तो उन फोटोज का हम क्या करें, जस्ट अपने कैमरा स्टाइल को मोनोक्रोम में शिफ्ट कर लो एंड उसके बाद आपकी फोटोज आएंगी ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं एंड एस्थेटिक लगती है, जो थोड़ी डिफरेंट हिट करती है। एंड अगर आपने फोटोज क्लिक करी हुई हैं एंड उनका आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा या फोरग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा या आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप अगर उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तो आप कहोगे यार क्या ही मज़ा आ गया। ठीक है जी, तो ये थे कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।